कुमार विनम्र शासक और जिनके मन में देश और जनता के अलावे कुछ नहीं था, ऐसे महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल भुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चीर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, अभी अभी आपने पद्म पुरस्कारों का सूची देखा होगा। सतराम रियांग और बेनी चंद्र जमातिया हमारे दो ट्राइबल भाइयों को पद्म पुरस्कार देकर मोदी जी ने ट्राइबलों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए और समावेशी विकास के लिए देश भर में न केवल विकास के काम चलाए हैं, उनको साथ में रखने का भी काम किया। कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी जी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान करने का काम किया। सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर आदिवासी पूर्वज हमारे जो देश के लिए काम करे उनके म्यूजियम बन रहे हैं। और मैं आज बताना चाहता हूं, हर म्यूजियम में हमारे राजा साहब का प्रतिमा भी है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाई और बहनों, जनजातीय मंत्रालय में, ट्राइबल मंत्रालय में पहले 24,000 करोड़ रुपए का बजट था। मेरी बात ध्यान से सुनना, इतने बड़े देश के ट्राइबल आबादी के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ था। नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बजट ट्राइबल मंत्रालय का किया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल 70 साल में सिर्फ 90 बने थे, मोदी जी के 5 साल में 740 एकलव्य स्कूल बनाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़े। आज सुबह ही राजा साहब भी बैठे थे, टूरिज्म, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, नौकरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी हमारा त्रिपुरा है। और मैं आज बताने जा रहा हूं, त्रिपुरा में भी हमारी प्रायोरिटी हमारा ट्राइबल एरिया भारत सरकार का प्रायोरिटी है। भाई और बहनों, अभी अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और राजा साहब के साथ, त्रिपुरा मोर्चा के साथ एग्रीमेंट के लिए ढेर सारी चीजें बोली जा रही है, मगर मैं आज आपको बताकर जाता हूं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान उस एग्रीमेंट में है। मुझ पर भरोसा करिएगा, एक कम्युनिस्ट जय बोलने का काम। त्रिपुरा की जाति और जनजाति दोनों के बीच में शांति रहे, दोनों का विकास हो और संघर्ष की जगह विकास के रास्ते पर त्रिपुरा आगे बढ़ पड़े,
इसका एग्रीमेंट में पूरा ध्यान रखा गया है। ये राजा साहब है तो राजा मगर बनिए से भी ज्यादा चतुर है भाई। छोटी छोटी चीज पर आपकी सभी हितों का ध्यान उन्होंने रखा है और मोदी जी ने इसको आशीर्वाद देने का काम किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश भर में 2,94,00,000 गरीबों के घर बनाए। इसका सबसे बड़ा फायदा एसटी लाभार्थियों को हुआ है। 21% घर एसटी को मिले। 14 करोड़ टॉयलेट बनाए। 70 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाता है। त्रिपुरा वालों, आपको मिलता है या नहीं मिलता है जरा बताओ तो भाई। चावल आता है ना, हर एक के घर में गैस का सिलेंडर भेजने वाले हैं और नए 3 करोड़ घर मोदी जी ने वादा किया है। बाद में कोई भी ट्राइबल हमारा घर बगैर का नहीं रहेगा, ये मोदी का गारंटी है भाइयों, मोदी का गारंटी। सबरूम रेलवे स्टेशन को एक्सटेंड किया गया। 23 ट्रेनें अब चल रही है। अगरतला अखोरा रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम किया। और एक हाईवे ही था कम्युनिस्टों के 30 साल के शासन में, अब त्रिपुरा में 9 हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को CBSE में लिया। बमूतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है। नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिससे IPL और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1,550 करोड़ के खर्चे से जलेपा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी। और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाई और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव, और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते करकर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे, नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसा कर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाई और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में
40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाई और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठा रही। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाई और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा करा, आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर भी 0 किया। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा करकर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा, वेस्ट हो या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं, घुसपैठ अब तक किसने होने दी? ये कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने हो दी, नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन करकर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने बताया दबाया हुआ हर बटन, सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बक्तव्य 2017 সালে উনি এসেছিলেন।